नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुनेंगे। अब यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। दूसरी लाइन में हमने सभी फंदे उल्टा बुन लिए। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो तीसरी लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तीसरी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। चौथी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारा पांचवा लाइन है। तो पांचवी लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पांचवी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया और छठी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 6 लाइन कंप्लीट कर ली। सामने की तरफ से सभी फंदों को सीधा और रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। सातवीं लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो मैंने कलर अटैच कर लिया है। अब पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, दूसरे फंदे को छोड़ देंगे और तीसरे फंदे के नीचे हम 6 लाइन नीचे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे, ऐसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और अब इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3 फिर 3 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। 2, 3 तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब देखिए, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे फंदे में हम 6 लाइन नीचे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे लंबा खींचेंगे और फिर 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3 तीन फंदों को हम अगले 3 फंदों को स्लिप कर लेंगे। 1, 2, 3 स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे। तो 3 फंदों को सीधा स्लिप कर लिया। अब देखिए, फिर अगले फंदे को हम छोड़ेंगे, दूसरे वाले फंदे के नीचे हम 6 लाइन नीचे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे लंबा खींचेंगे, फिर 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3
अगले तीन फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा को छोड़ेंगे, दूसरे वाले फंदे के छह लाइन नीचे आएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, और एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अगले तीन फंदे हमें स्लिप करना है, एक दो तीन, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनना चाहें तो उल्टा बुन सकते हैं, चाहे तो स्लिप कर लें। अब देखिए ये तीन फंदे हमने स्लिप किए थे, तो इस लाइन में भी हमें इन तीन फंदों को स्लिप करना है, फिर तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे, बुने हुए तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, और फिर इस लूप को भी हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, तीन फंदों को हम स्लिप करेंगे, तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, और लूप को भी हम स्लिप करेंगे। अब देखिए फिर इन तीन फंदों को हमें स्लिप करना है, एक दो तीन, तीन फंदों को उल्टा बुनना है, एक दो तीन, और लूप को भी हमें स्लिप करना है। दानी सिलाई में ले लिया, फिर तीन फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा, लूप को हमें स्लिप करना है, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो हम अपने पहले कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए लूप, ये हमारा लूप है, तो इसमें हम ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, देखिए ऐसे सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे। अब ये बुने हुए तीन फंदे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, अब इस लूप को उठाएंगे और इन तीनों फंदों को ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। अब अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें दूर डालना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, देखिए लूप में हमें ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालना है, ऐसे नीट वाइज सिलाई डालना है, इसे हमने दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। अब ये बुने हुए तीन फंदे, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब लूप को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर लूप में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, लूप को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब तीन फंदे सीधे, ये जो लूप है इसमें हम ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, दाहिने सिलाई में ले लेंगे, फिर तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, लूप को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद ये हमारा पहला लाइन हो गया, इसके बाद हम पांच लाइन और बुनेंगे, सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो हम रॉन्ग साइड में हैं, तो हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब फिर सामने की तरफ से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे,
फिर सामने से सभी फंदे सीधे तो हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। ये हमारा 13वां लाइन कंप्लीट हो गया। अब रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टा बुनेंगे और ये हमारा 14वां लाइन है। तो 14वें लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो हमने 14वां लाइन भी सभी फंदे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमने 6 लाइन पहले रंग से, 2 लाइन दूसरे रंग से, फिर 6 लाइन पहले रंग से बुन के कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारे डिजाइन का 15वां लाइन है और सामने से, तो हम अपने दूसरे कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदा हम स्लिप करेंगे। अब चौथे फंदे को छोड़ देंगे। पांचवें वाले फंदे में हम 6 लाइन नीचे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, लूप को थोड़ा सा हम ऐसे खींच लेंगे, फिर 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें दोहराना है। तो 3 फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, जिस पे हमने पिछली बार डिज़ाइन बनाया था, अब की हमें उन्हें स्लिप करना है। तो 3 फंदा हमने स्लिप किया और देखिए यहाँ पे 3 फंदे जहाँ स्लिप किए थे उसके बीच वाले फंदे के हम नीचे आएंगे, 6 लाइन नीचे, और एक लूप बना लेंगे। लूप निकाला, फिर 3 फंदा सीधा। फिर 3 फंदा हम स्लिप करेंगे। देखिए डिज़ाइन के ऊपर वाले 3 फंदे हमें स्लिप करने हैं। फिर 3 फंदा जो हमने स्लिप किया था, तो बीच वाला फंदा, बीच वाले फंदे के 6 लाइन हम नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, थोड़ा सा खींचा, फिर 3 फंदा सीधा। नेक्स्ट 3 फंदा हम स्लिप करेंगे। फिर अगले 3 फंदे में बीच वाले फंदे के नीचे हम 6 लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, 3 फंदा सीधा। और ये लास्ट फंदा है तो इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पहले वाले फंदे को एज स्टिच है, उल्टा बुनना चाहे तो हम उल्टा बुन लें या फिर स्लिप कर लें। फिर ये 3 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। अब लूप को और इन स्लिप किए हुए 3 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। फिर 3 फंदा उल्टा, लूप को और स्लिप किए हुए 3 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। लूप को, 3 फंदों को, स्लिप किए हुए फंदों को स्लिप करेंगे, 3 बुने हुए फंदे उल्टा, लूप को और स्लिप किए हुए 3 फंदे को स्लिप करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा 16वां लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम अपने 6 लाइन हम अपने पहले कलर के ऊन से बनाएंगे। एक फंदा सीधा, फिर ये 3 स्लिप किए हुए फंदे थे उन्हें भी सीधा बुन लेंगे। अब लूप में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब लूप को उठाएंगे और इन 3 फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, लूप में ऐसे सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा,
लूप को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो देखिए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो तीन फंदा सीधा लूप में, ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, लूप को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए ऐसा ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।